हेलो डियर, वेलकम टू करियर पॉइंट कोचिंग क्लासेस ब्रघाट। करियर पॉइंट कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में मैं शैल अटेम्प्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, आज हम बात करने वाले हैं घातांक एवं करणी की। अब हमको देखना है घातांक एवं करणी में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसमें हमें याद रखना है, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं घातांक एवं करणी की, तो कुछ बेसिक चीजें हमको मालूम होना चाहिए। जैसे सपोज मैं आपको बता दूं, ये मैंने यहां लिखा है x की पावर a, तो ये x है, ये हमारा बेस कहलाता है, मतलब आधार, और ये हमारा a जो है पावर कहलाता है। ए जो है पावर मतलब घात, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना, ये आधार हमारा आर, तो इसकी घात क्या है, ए है ऐसा। अब देखिए इसमें कैसी चीजें रखना है, यदि दो संख्याएं दी गई हैं और इनके आधार समान हैं तो इनकी जो घाते हैं गुणे में होने पर जुड़ जाती है, मतलब आधार समान है गुणे में, तो घाते इनकी कैसी हो जाएंगी, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इजकल टू एक्स की पावर ए प्लस बी, यानी एक्स की घात ए है गुणा ए की एक्स की घात बी है बराबर में एक्सेप्ट ए धन बी हो जाएगा। ये अगर ये आधार समान है और भाग में है तो इनकी जो घातें हैं आपस में घट जाएगी, तो x की पावर a डिवाइड x की पावर b इजकल टू x की पावर a माइनस b। यदि किसी भी संख्या की घात माइनस में लिखी गई है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हमें उसे एक के अपोन में लिखना पड़ता है, एक के बटे में अगर हम संख्या की घात को लिख देंगे तो कैसी हो जाएगी, सकारात्मक धनात्मक पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखते हैं यदि किसी संख्या की घात अगर जीरो आ जाए मान लो, तो उसका मान हमेशा कितना होगा, वन होगा। किसी संख्या की घात जीरो आ जाए तो उसका मान कितना हो जाएगा, एक। इसके बाद हम और देखते हैं, सपोज x की पावर a है, इस पूरे की पावर b है, इस पूरे की पावर c है, तो सभी घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है, जैसे मैंने लिखा x की पावर 2 इंटू इस पूरे की पावर 3, तो हम इसको कर सकते हैं x की पावर 2 इंटू 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर 6। बट अगर यहाँ x हो जाए x की पावर 2 इस पूरे की पावर 3, तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, हमें यहाँ करना पड़ेगा x की पावर 2 जो है इसको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और हमारी टोटल x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4 इंटू 2 यानी 8, x की पावर 8। देखिएगा ब्रैकेट लगा है तो इस अलग हल हुआ, और ब्रैकेट नहीं लगा है तो अलग हल हुआ, ठीक है। तो ये कुछ घातांक हमने नियम देखा, इन नियम के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका काम है इन घातांक नियमों को बार बार देखिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन के करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जो एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, ऑप्शन में दिए रहेंगे जैसे ये संख्याएं हैं, इनमें से बड़ी संख्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये संख्या इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या पहचानना है हमें, 2 की पावर ये रूट है इसका मतलब 1/2, 2 की घात 1/2, 3 की घात 1/3, 4 की घात यहाँ 4 है मतलब 1/4, और 6 की घात 1/6, ये हमने इसको सरल रूप में लिख लिया। अब देखिएगा ये जो नीचे ये जो ये घाता दी है ना 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, तो हमें इसे ऐसी संख्या से इंटू करना है जिससे ये सभी नीचे वाले हर जो है डिवाइड हो जाए, मतलब उसमें 2 का भाग चल जाए, 3 का भी चल जाए, 4 का भी चल जाए और 6 का भी चल जाए। तो हम ऐसी संख्या लेंगे, तो ऐसी संख्या आप कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे ऐसी संख्या होगी 12, क्योंकि 2, 3, 4, 6 सबका उसमें भाग चले जाएगा। 2 की घात यहाँ 3 की घात 1/3 × 12 ऐसा ही आप लिख देंगे। अब देखिए सब में हमने 12 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्यों, नीचे के आधार को हमें जो नीचे वाले जो हर दिया है इसको हमें डिवाइड करना है, 2 से 6 बार गया, 3 से 4 बार गया, 4 से 3 बार गया, 6 से 2 बार, तो क्या हुआ, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 एंड 6 की पावर 2। इसको हल करोगे तो 6 6 36, 6 6 36, 4 की घात 3 है, 4 चौके 16 चौके 64,
ठीक है, 3 की पावर 4 है, 10 × 9 होती है 27 और 27 * 81 और 2 की पावर 6 मतलब 2 को 6 बार आप गुणा करेंगे, जैसे ये 2 2 2 जो लिखा है इसको आप 6 बार गुणा करते हैं तो आप देखिए 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 कितना हुआ 64। अब देखिएगा आप सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है यहाँ आपको, 81 दिख रहा है और 81 किस में आया था, इसमें आया सबसे बड़ा आंसर हमारा कौन सा हो गया, कर्णी 3 या घनमूल 3 सबसे बड़ा क्या जाएगा ये है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है, इनमें क्वेश्चन कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब जो हमने आधार जो घातांक नियम पढ़ा था उसके एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं कैसे परीक्षा में आते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है ये 5 है, इसकी पावर 4 है, इस पूरे की पावर 3 है, इस पूरे की पावर 9 है और ये वर्गमूल में लगा हुआ है। अब हमें बताना है इसके बराबर 5 की पावर कितनी, ये हमें बताना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले 5 लिखा हमने, इसकी पावर 4, ये सभी घातों को आपस में हम गुणा कर देंगे और ये वर्गमूल लगा, इसका मतलब कितना जाएगा 1/2, 2 से कितने में आ जाएगा 2 × 4 तो अब देखिएगा 9 × 3 × 6 और 6 × 9 = 54, 5 की घात कितना हो गया 54, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ नहीं सिंपल सा करे हमने, सभी घातों को आपस में गुणा कर दिए और ये जो वर्गमूल था उस वर्गमूल को हमने 1/2 लिख दिया, अगर घनमूल रहता तो 1/3 आ जाता। तो हमारा हमने देखा कि 5 की पावर 54 आ गई एंड हमारी जो पावर हमारा जो आंसर होगा यहाँ वो आंसर होगा 54 बिकॉज हमें फाइंड आउट क्या करना है 5 की पावर क्या है ये हमें निकालना है, तो वो कितना आएगा 54। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। यह हमारे पास में क्वेश्चन है, आप देखिएगा यहां क्या दिया है 3 की पावर 9 × 9 की पावर 3 / 3 की पावर 4 × 3 की पावर 2। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस जो आधार है वो इक्वल करना है, बराबर करना है। ठीक है, हम आधार इक्वल करते हैं फिर हल, जैसे 3 की पावर 9 है कोई दिक्कत नहीं, 9 की पावर 3 है ना, इसको करेंगे 3 की पावर 2, 3 × 3 = 9 होता है 3 × 9 × 3 / 3 की पावर 4 × 3 की पावर 2। देखो आधार सभी कैसे हो गए, समान हो गए। अब देखते हैं हम यहां देखेंगे हम 3 की पावर जो है वो हम 9 गुणा है ना तो गुणे का प्लस 3 × 6 डिवाइड है ना डिवाइड है तो माइनस और इनटू है इसलिए प्लस। आधार समान होते हैं घाते जुड़ जाती हैं और भाग में रहे तो घट जाती हैं, ये हमने पढ़ा है अभी। अब इससे क्या होगा हमारा 3 की पावर देखिएगा ये 6 में से 4 गया 2 बचा और 2 × 2 = 2 + 2 = 4 और 9 तो 3 की पावर 13 एंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 13। आप देखिएगा यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, आप ये जो कर रहे हैं समझ में बिल्कुल आ रहा है, थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो है आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं उसमें देखिएगा आप कई बार क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, जैसे सपोज मान लो ये 7 की पावर 0.2 × 7 की पावर 0.1 × 7 की पावर 3 / 49 ये हमारे पास दिया है। अब देखते हैं हम सबसे पहला काम है सबका बेस क्लियर करेंगे, हम एक सा बेस बनाएंगे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला देखो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, 7 की पावर 0.20 + 1.8 + 3 ये तो ऐड कर देंगे, डिवाइड है और तो इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, देखिए ये 49 है। तो अब देखिएगा हम इसको जब जोड़ देंगे तो 0.2 और 1.8 कुल मिला के ये और ये जुड़ के कितना हो गया 2 × 3 = 5 तो 7 की घात 5। आधार समान है ना भाग में इसलिए घटा देंगे घात को, 7 की घात 2 घटा दिए तो कितना आया 7 की घात 3 ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, बहुत सरल है। अब देखिएगा इसके बाद कुछ क्वेश्चंस,
जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, अगले जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आए हुए क्वेश्चन है ये, ये देखिएगा, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन में, देखिएगा x की पावर b प्लस सी इस पूरे की पावर b माइनस सी, x की पावर c प्लस है इस पूरे की पावर c माइनस है, x की पावर x प्लस है इस पूरे की पावर a माइनस b। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा वही कॉन्सेप्ट, अगर बेस यानी आधार समान है तो इनकी पावर इनटू में है तो कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, हमने एक बार आधार लिख दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको हम ये देखो इनका गुणा हो जाएगा आपस में इनका, तो हमने इसको गुणा कर दिया b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये प्लस दूसरा ब्रैकेट शुरू हो गया तो प्लस c प्लस a इंटू सी माइनस a प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b। आप देखिएगा इसको और हम हल करते हैं तो x की पावर ये b प्लस सी बी माइनस सी, a धन भी a ऋण भी, तो क्या हुआ ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर सेम, ए धन बी ए ऋण बी, तो सी धन ए और सी ऋण, तो ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर वाली सरसमिका लग गई, यहां भी सेम ऐसी ही सरसमिका लग गई, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर वाली सरसमिका लग गई। आप देखेंगे इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, आखिर में पूरा का पूरा एक्स की पावर पूरा कैंसिल हो गया, एक्स की पावर जीरो बचा, और एक्स की पावर जीरो हम कितना कह सकते हैं, वन कह सकते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने कितने आसानी से देखा, आधार समान होते हैं घाते जुड़ जाती हैं, और यदि गुणे में रहे तो और भाग में रहे तो घट जाती हैं, और सभी घातों का आपस में कैसा हो जाता है गुणा, इसकी घाती इस पूरे घाती, तो सभी का आपस में कैसा हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, x की पावर a अपॉन x की पावर b इस पूरे की पावर a प्लस b, x की पावर b अपॉन x की पावर c इस पूरे की पावर b प्लस c, x की पावर c अपॉन x की पावर a इस पूरे की पावर c प्लस a। सेम थिंग हमको अपनाना है। आप देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x सबसे पहले इसको करेंगे, x की जो पावर है अपॉन में है ना, तो a माइनस b, क्या हो गया वो a माइनस b, और इनटू में ये गुणे में हो जाएगी तो a प्लस b। सेम x की पावर b माइनस सी और ये इंटू में है तो b प्लस सी, x की पावर c माइनस a c प्लस a गुणे में है। हमने देखो पूरी जो पावर है पूरी पावर को हमने हमने इंटू में कन्वर्ट कर दिया। अब देखेंगे हम x को एक साथ लिख दिए a प्लस b a माइनस b यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली सरसमिका लग गई, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हुआ, ए से बी से ये कैंसिल, सी से कैंसिल, एक्स की पावर जीरो इसका मतलब वन। ठीक है, देखो कितने आसानी से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बस हमको याद ही रखना है आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं, गुणन में हो तो और भाग में हो तो घट जाती हैं, अगर घातों का आपस में एक ऊपर एक गुणा है तो गुणे में तो सभी घाते आपस में इंटू हो जाएंगी, लेकिन अगर किसी संख्या की घात यानी पावर जीरो हो जाए, किसी संख्या या वैल्यू की पावर जीरो हो जाए उसका मान हमेशा कितना होता है, एक होता है। पूरे क्वेश्चन का मान अगर घात जीरो है तो मान कितना हो जाएगा, एक।
हमने बहुत आसानी समझा, आगे ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चैनल अगर वीडियो में कुछ क्वेश्चन से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू।